हर साल पराली के जलने की वजह से जो धुआं उठता है, अभी भी आज भी आप देख रहे हो पूरे आसमान में धुआं धुआं हुआ पड़ा है, और मीडिया की रिपोर्ट्स और सैटेलाइट के पिक्चर्स ये दिखा रही हैं कि आसपास के राज्यों में खासकर पंजाब से काफ़ी ज़्यादा स्टबल बर्निंग हो रही है। तो एक तरफ तो किसान खुद भी बहुत दुखी है बेचारा, किसान जब वो पराली जलाता है उसको खुद कितना प्रदूषण बर्दाश्त करना पड़ता है, पूरे गांव को कितना प्रदूषण बर्दाश्त करना पड़ता है, आसपास के राज्यों की सरकारों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया किसानों के लिए, और किसान अपनी फसल जलाने के, स्टबल जलाने के लिए, पराली जलाने के लिए मजबूर हुआ, और वो सारा धुआं पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है। तो इस दिशा में पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने इस बार एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली के सारे खेतों के अंदर हम लोगों ने, इन पूसा इंस्टीट्यूट ने जो बायो डिकम्पोजर केमिकल बनाया था वो छिड़काव किया, 13 तारीख को छिड़काव किया था, आज 4 तारीख है और आज हम यहाँ पे जब खड़े हैं तो वो पूरा का पूरा सारा पराली गल चुकी है, बिल्कुल खाद में कन्वर्ट हो चुकी है, और अब इसकी बुआई का काम शुरू हो सकता है यहाँ पे खेतों के अंदर। तो अब दिल्ली के लोगों ने पहली बार, दिल्ली के लोगों ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक समाधान दिया है पराली को, पराली का जो अभी तक कहा जा रहा था कि क्या करें, हो नहीं सकता, ये है, वो है, सब्सिडी किसी तरह, इतना सस्ता समाधान है और इतना अच्छा समाधान है कि पराली जो है वो अब खाद में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी साल होगा जब हम ये प्रदूषण बर्दाश्त कर रहे हैं। अब किसी सरकार के पास कोई बहाना नहीं है अपने किसानों को तंग करने का। किसान बहुत दुखी हो चुके हैं, किसान नहीं जलाना चाहते पराली। मेरी बहुत किसानों से बात हुई है पंजाब में, मेरी बहुत किसानों से बात हुई है हरियाणा में, वो पराली नहीं जलाना चाहते। तो अब अपने को समाधान मिल गया, हम सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे कि ये समाधान बहुत इफेक्टिव है। पूसा इंस्टीट्यूट ने, यहाँ पे किसान भी खड़े थे, किसान भी बहुत खुश हैं जो यहाँ पे, और पूसा इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी कहा है कि वो बहुत संतुष्ट हैं इसके आउटपुट से। तो अब समाधान है और सरकारों को करना चाहिए, अब सरकारों की जिम्मेदारी है। कोई सरकार ये बहाना नहीं बना सकती कि हमारे पास समाधान नहीं है, इतना सस्ता समाधान कि दिल्ली के अंदर ही 20 लाख रुपए के अंदर पूरा का सारी की सारी दिल्ली के अंदर छिड़काव हो गया, जो कि कुछ भी नहीं है। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी स्टेट्स हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, आपकी मीटिंग भी हुई थी पर्यावरण मंत्री से, तो क्या ये जो आपका मॉडल है, आप अगर इसको मॉडल के तौर पर देखते हैं, तो क्या इसको लेकर के आपने क्या केंद्र से या बाकी स्टेट? मैंने तो इस बार भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से कई बार मीटिंग करने की कोशिश की। जब हम लोगों ने दिल्ली में शुरू किया उसके 15 दिन पहले हम लोग पूसा इंस्टीट्यूट के संपर्क में, हम लोग काफी लेट आए, तो उसके 15-20 दिन पहले मैंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उनसे मिलने का टाइम मांगा, वो बिजी रहे होंगे, उन्होंने टाइम नहीं दिया मुझे मिलने का। मैंने उनसे फिर फोन पे बात की, मैंने उनको कहा कि दिल्ली के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं इस बार, आप भी, मैं समझ सकता हूं कि काफी लेट हो गए हैं इस बार, लेकिन कोशिश करें, जितना भी रोक सकते हैं फायर को उतना रोक लेते हैं, जितना पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में हम छिड़काव अभी कर सकते हैं कर लेते हैं। उन्होंने कहा आप अपना एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, वो अगर सफल हुआ तो फिर अगली बार करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसमें केंद्र सरकार भी इसमें इंटरफेयर करेगा, जो केंद्र सरकार ने नया कमीशन बनाया है वो भी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें साथ देगा। और ऐसे में आपने कुछ ग्रीन जोन इलेक्ट किए हैं जहाँ पे पटाखे जलाए जाएंगे, तो क्या लगता है पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा अभी गंभीर है सिचुएशन दिल्ली? इसके ऊपर कल हमारी एक मीटिंग है, उसमें रिव्यू मीटिंग कल 4 बजे रखी है, कोरोना की स्थिति को वो करने के लिए, कोरोना के जो तैयारियां हैं, बेड्स की क्या स्थिति है उसको करने के लिए, और ये पटाखों के बारे में भी कल ये निर्णय लिया जाएगा कि पटाखे जलने चाहिए कि नहीं जलने चाहिए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये थर्ड वेव इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज सितंबर एंड और अक्टूबर के बिगिनिंग में नीचे आने चालू हो गए थे, 3000 के भी नीचे पहुंच गए थे केसेस। हम लगातार स्थिति के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, जो भी कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी हम उठाएंगे। जो आईसीयू बेड्स की कमी है
हमने बीच में आईसीयू बेड्स बढ़ाए थे कोरोना के लिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली स्टे लगा दिया। आज हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उस स्टे को विकेट कराने के लिए, ताकि वो कमी दूर की जा सके। अभी फिलहाल बेड्स की कोई कमी नहीं है, अभी फिलहाल जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कोई कमी नहीं है, केवल कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आईसीयू बेड्स विद वेंटिलेटर्स की कुछ कमी नजर आ रही है, लेकिन हम एक दो दिन के अंदर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये स्टे वेकेट हो जाएगा तो ये कमी भी दूर हो जाएगी। तो हम पूरी तरह से, हमारा मेन मकसद है कि लोगों को अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको उचित सुविधा मिले, उनको उचित इलाज मिले, और जो डेथ है कोरोना की वजह से वो कम से कम रहनी चाहिए, वो अभी फिलहाल कंट्रोल में है।